ऐसे ही एक घर अनपढ़ परिवार में पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो गई। और जब उसकी शादी हो गई, जब चौथी चल के आई, लौट के घर आई, तो माँ पूछने लगी, बेटी घर के परिवार के सब लोग कैसे हैं? तो जवाब दो मैया, घर के कैसे हैं, हमारी किस्मत फूट गई। मतलब ये है, समझाती हुई बोली बेटी अपनी माँ से कि एक दिन तो उल्लू के उल्लू रह गए, निकले पिया हुड़ुक हमारी किस्मत मजा ने कहा हो जाता, समझ में ही ना आया। देवर तो उल्लू के उल्लू रह गए, निकले पिया देवर उल्लू पिया हड़ुक चुल्लू। माँ पूछने लगी, क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो ये, मेरी समझ में नहीं आता। जवाब दो, हम तुम्हें बता रहे, पढ़े लिखे तो है ना। एक दिन की बात रहे, जब हम गए सुहागन में बैठे, हम श्रृंगार कर रहे थे, सो हम क्रीम लगाए थे, सो हमारा छोटो सो देवर हमारे पास में आओ, जवाब दो भाभी जमका है जब नगा नहीं दे। हमन सोची चीज लगाए, सो हमने उनके हाथ पे थोड़ी क्रीम रखी और वे बाहर निकल गए। पहले मैं खूब देखत रहे, फिर अंगुरिया से लई और नेक जीभ से चाटी, और बाद में जीभ निकाल के सब साफ कर गए। दूसरी दांव फिर आए, बोले भाभी नेक, हमन सोची कि कम पड़ी गई, दोबारा से फिर दे दे। दूसरी दांव फिर वे बाहर गए और फिर खाए आए। तीसरी दांव फिर आए गए, तुमने गाल पे एक तमाचा दो, ये चीज कोई खाइबे की है? अब तो वे रोत भए अपने भैया के पास में पहुंचे और वे हल चलाते थे खेत में। जवाब दो भैया, हमें भाभी ने मारो है। बोले अच्छा, दो दिन आए ना भाई, मारा थोड़ी शुरू। सुबह चले आए सीधे, पूछी बताई कछूना है, उन्हें दो तीन मारे हमने। जवाब दो क्यों, हमारे भाई को क्यों मारा तुमने? तो हम कछुना बोल पाए, हमारा छोटो सो देवर ही रहे भाई। बोलो भैया जामे जा का धरी है, जब हमने नेक ले ली ताई से भाभी ने मारो। अब सबसे बड़ी बात जानते बे उन्हें, बोले जब दिखाओ मैं उनके हाथ पे हमने नेक धरी। अब क्रीम उन्होंने हाथ पे देखी, जो मैं खूब देखी गौर से, अब देखत रहे और फिर देवर की तरह उंगली से पहले लई और नेक चाटी, बाद बेहू सब साफ करेंगे। अपने भैया के गाल पे एक तमाचो तो हो सकी, जब चीज रूखे खाई में भाई मैया मैंने क्रीम दई उंगली पे धर के चाट लई, और जवाब आ मैंने भाई मारो उंगली मेरी पाट लई। मैया मैंने क्रीम दई उंगली पे धर के चाट लई, और जवाब आ मैंने भाई मारो उंगली मेरी चाट लई। देवर उल्लू गए उल्लू रह गए, निकले पिया भैया ने गाल में एक तमाचो मारो अपने भाई से। और एक बात कही,
भैया बोले हो पागल तू ऐसे चीज खाए ले तो और ऐसे तूने क्यों खाई तू डारे में डारे खा ले डारे में डारे खा तो रोटी चुपल ले तो तब खा तो और ऐसे रूखी खाए तो कहां से है मारो ठीक मारो भैया बोले ओ पागल तू ऐसे चीज खाए ले तो और ऐसे तूने क्यों खाई तू डारे में डारे खा ले एक दिन की बात हम तुम्हें और बता कितनी बड़ी समझदारी है वो हम तुम्हें बता रहे हैं जवाब दो जब भैया चौथी चलाए वे के गो सो हमारे छोटे देवर ने सबसे पहले झोरा उठाओ कंधा पे टांगो अपने भैया से कही सो करियो तुम अड्डा पे मिलियो देवर जी यो कहने लगे तुम अड्डा पे मिलना भाई बेटो बस अड्डा ना समझे वे गड्ढा पे बैठे जाए उनने तो कही तुम अड्डा पे मिलियो वे गड्ढा पे जाएंगे बैठे अब इंतजार करते रहे तू आए क्यों ना रहो कहां लेकर गए ले अड्डा पे बैठे देवर जी पत मेरे की याद करे और उस पत अड्डा पे बैठे देवर की फरियाद करे जोड़ी उनकी खूब मिली है तो उल्लू और उड़ कुछ देवर तो उल्लू के उल्लू रह गए निकले पिया